आज़ाद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में सलमान खुर्शीद और डॉक्टर आज़म बेग का ज़ोरदार इस्तकबाल। स्टूडेंट्स को अपनी ताकत और अपनी जिम्मेदारी को सही जगह करना चाहिए इस्तेमाल। तेलंगाना में होने वाले 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और RPCC के महासचिव डॉक्टर आज़म बेग सभाओं को संबोधित करने के लिए हैदराबाद पहुँचे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्छीवाला हैदराबाद में सलमान खुर्शीद और डॉक्टर आज़म बेग का छात्र संघ की ओर से ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आज़म बेग ने अपने संबोधन में कहा कि वक्त की ज़रूरत को देखते हुए ही अपने कोर्स को चुनें, जिससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर देश समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में निभा सके। डॉक्टर बेग ने AIIM पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी पार्टियों की आलोचना करते हैं और ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ताकतों को जो ताकत देते हैं। मुख्य अतिथि सलमान खुर्शीद ने देश के निर्माण में छात्र शक्ति का अहम रोल अदा होता है और छात्र ही देश का भविष्य तय करते हैं। माननीय स्टूडेंट्स यूनियन के सभी ऑनरेबल मेंबर्स का, स्टूडेंट यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, स्टूडेंट यूनियन के ऑनरेबल प्रेसिडेंट मतीन जी हमारे बीच बहुत ही स्पेशलिस्ट और तजर्बाकार डिफरेंट इशूज पर, भाई राजेंद्र जी जो भी अभी हमारे पास बता रहे हैं आज ही, हम सबके लिए यहाँ पर मौजूद महिला सशक्तिकरण के रूप में आपके तेलंगाना में बहुत ही एक्टिव माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की महिला लीडर मोहतरमा उस्मा शाकिर जी और हम सब के महबूब और खुशी रहनुमा हिंदुस्तान की सियासत में कई दहाइयों तक माननीय मंत्री महोदय के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, कानून मंत्री के रूप में, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में हिंदुस्तान को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रिप्रेजेंट कर चुके इज्जत माँ खाली जनाब जनाब सलमान खुर्शीद साहब जोरदार तारीफ। चुनाव का समय है इस वक्त, आपसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। मैं 1992-93 में इत्तेफाक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में उस वक्त यूनियन का प्रेसिडेंट बना था जब 14 स्टूडेंट्स अफगानिस्तान से हुआ करते थे 40,000 स्टूडेंट्स में और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ये मेरे बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के कैबिनेट मेंबर भी रहे मतीन जो इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी के यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। आप तमाम की मौजूदगी में मैं चाहूँगा कि मतीन के लिए जो एक युवा लीडर है आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे छोटी सी दरख्वास्त पर आपको जब ये पता चला कि हम लोग हैदराबाद तेलंगाना के इलेक्शन में यहाँ पर मौजूद हैं, आपने और फरहान अकमल ने हमसे ये दरख्वास्त की कि थोड़ी देर के लिए सही आप सलमान खुर्शीद साहब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर तशरीफ लाएं। सर कुछ आपका ये कैंपस देखकर पहली बार ऐसा लगा कि यहाँ पर आप थोड़ी देर में इतनी बड़ी तादाद में सब इकट्ठा हो गए। मतलब सलमान खुर्शीद साहब ने भी हमारी ये दरख्वास्त कबूल की कि हम आपके बीच हाजिर हो सकें। इसके बाद चूंकि दो तीन मीटिंग्स ऑनरेबल सलमान खुर्शीद साहब के साथ दो तीन जगह पर हैं, मोहतरम अजहरुद्दीन साहब के लिए, मोहतरम फिरोज साहब के लिए और दलत नगर में वो हमारे सनत नगर में एक बड़ी मीटिंग है जहाँ पर आपको तशरीफ ले जाना है। मुझे आपसे सिर्फ एक बात याद करनी है कि हम स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के जमाने में बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो एक कंट्री के ताल्लुक से हमारा दायित्व बनता है, मुल्क की जिम्मेदारियाँ जो हमारे ऊपर आगे आने वाली होती हैं, उनसे किताबों की मुहिम में मेहनत में इतने हम खो जाते हैं कि उससे हम अपना ताल्लुक कम रख पाते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर के अपने आप को मुल्क के प्रति तैयार करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज में जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भी आती है, बानू भी आती है, जामिया उस्मानिया भी आती है, जामिया मिल्लिया भी आती है, हम लोग मुल्क के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियों को तय करें कि आखिर क्या हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और उन हालात में हम अपने आप को कहां पाते हैं। मेरी आप लोगों से यह दरखास्त है कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में अपना एक मकान रखती है। आपने अपने जबान और अदब को बचाने के लिए डिफरेंट कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन लेकर के अपने आप को किसी काबिल बनाने का तहैया किया है, लेकिन इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। नफरत के इस माहौल में जहाँ पूरा देश परेशान है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है, किस कदर आतंकित माहौल को बना रखा है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इन तमाम हालात पर नजर डालें। और वो लोग जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते तपस्या त्याग बलिदान के रास्ते पर चलते इस देश की एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, कैसे हम उन लोगों के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, इस पर भी हमको आपको कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। तेलंगाना में इस वक्त चूंकि चुनाव है, 30 तारीख को पोलिंग होनी है, 28 तक आपको समय है,
कि इन दो चार दिनों में अगर हमने आपने कुछ मेहनत करके सेकुलर कैंडिडेट्स के हाथों को मजबूत करके कांग्रेस के पंजे के निशान को मजबूत करके देश में आने वाले मुस्तकबिल में जो सेमीफाइनल है इसको अगर जिता करके भेजते हैं तो यकीन मान करके चलो कि 2024 में ये जो फिरका परस्तों की ताकत है ये कहीं ना कहीं से खत्म होगी और हम लोग मिलजुल करके मजबूत सरकार बनाने में सक्षम हो सकेंगे। मेरी आप लोगों से इतनी सी दरखास्त है कि बड़े सालों के बाद इस वक्त आपके इस तेलंगाना में माहौल बना है अपने आप को मुतहिद करने का, जूनियर होकर के अपने आप को मजबूत करने का। मेरी आप लोगों से दरखास्त है, इज्जत मान आदरणीय मोहतरम जनाब सलमान खुर्शीद साहब हमको और आपको इस वक्त संबोधित करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए आज इस डे पर जिसकी एक इम्पोर्टेंस है, जिसका एक महत्व है।